वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी चैनल पे आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ कच्चा आम की मुरब्बा। आपको अगर कच्चा आम की मुरब्बा की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे नया वीडियो जो भी अपलोड करें सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए ऐसे ही जैसे मैंने बनाया मुरब्बा। यहाँ पे मैंने 3 आम ले लिया है, इसका वेट है 900 ग्राम। आम को मैंने एक बार वॉश कर लिया, अब मैं सबसे पहले आम को छील लूँगी। बहुत ही आसान है आम की मुरब्बा बनाने में। तीनों आम हमने छील लिया है, अब हम इसको कद्दूकस से कद्दूकस करेंगे। हमें इधर जो बड़ा वाला है इसी से करना है। आम को छीलने के बाद धोना नहीं है, इसमें पानी नहीं लगना चाहिए। पानी लगने से चटनी मुरब्बा ख़राब हो जाएगी जल्दी से। आम को हमने कद्दूकस कर लिया है, अब इसके जो बीज है इसको हमें फेंक देना है। ऐसे ही हम तीनों आम को कद्दूकस कर लेंगे। गैस पे हमने कढ़ाई रख दिया, कढ़ाई गर्म हो गया है। अब हम यहाँ पे 2 टेबल स्पून सौंफ और 1 टेबल स्पून कलौंजी, इसको हमें रोस्ट करना है। फ्लेम को हमें लो पे रखना है। आप देख पा रहे होंगे हल्का सा कलर आ गया है सौंफ में। अब हमें इसको एक प्लेट में निकल लेना है। अब हम इसी कढ़ाई में ग्रेट किया हुआ आम डाल देंगे। लो फ्लेम में हमें ऐसे ही आम को 2 मिनट तक भून लेना है ताकि इसके जो आम में जो पानी है ये सोख ले। आप देख पा रहे होंगे आम में जो पानी था काफ़ी हद तक सूख गए हैं। आम के पानी हमें इसलिए सूखा लेना चाहिए ताकि ये ज़्यादा दिन मुरब्बा हमारा टिके, ज़्यादा दिन तक हम इसको रख सकते हैं। अब हम इसमें शक्कर डालेंगे। आम की वेट था हमारा 900 ग्राम, यहाँ पे हम शक्कर डालेंगे 750 ग्राम। उसका बीज और छिलका निकल गया 150 ग्राम। यहाँ पे हमने 750 ग्राम शक्कर डाल दिया है। आम ज़्यादा खट्टा है इसीलिए हमने 750 ग्राम डाला है। अगर कम खट्टा है तो 600 ग्राम भी डाल सकते हो। अभी हम फ्लेम को थोड़ा हाई कर देंगे, बीच बीच में ऐसे ही चलाते रहेंगे हम। शक्कर आम के साथ पिघल गए हैं। गैस को हमने अभी हाई फ्लेम में रखा है। जब ये और सूख जाएगा तब हमें फ्लेम को मीडियम टू लो पे कलर करना है। यहाँ पे हमने जो मसाला भून के रखा था उसको हमें कूटना है। भुना हुआ मसाला हमने कूट लिया। यहाँ पे शक्कर के पानी सोख लिया है। अब हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे। पाँच से छः मिनट हो गया है हमें यहाँ आम को पकाते हुए। अब हम इसमें थोड़ी सी नमक डाल देंगे। यहाँ पे डालेंगे हम 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, इसको हम अच्छे से मिला देंगे। मिर्ची डालने के बाद कलर कितना बढ़िया दिख रहा। मिर्ची डालने के बाद 2 मिनट हमने और पकाया है। अब हम डालेंगे भुना हुआ मसाला जो हमने अभी कूटा है, अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। ठीक, हमें ऐसे ही रखना है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। मुरब्बा बन के रेड। अब हम इसको एक बर्नी में निकालेंगे, कोई भी कांच की या मिट्टी की। कच्चा आम की मुरब्बा बन के रेडी है।
आप भी ऐसा ही ट्राई कीजिए जैसे मैंने बनाया है, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए।